मोलिकुलर डायग्नोसिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर एंजाइम लिंक्ड एनजाइम लिंकड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा आर टेक्निक्स फॉर अर्ली डायग्नोसिस अर्ली डायग्नोसिस के लिए जल्दी से बीमारियों का पता लगाने के लिए हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर और एलिसा का यूज करते हैं प्रजेंस ऑफ पैथोजेंस नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली वेन द पैथोजेंस हैज प्रोड्यूस्ड आ सिमटम नॉर्मली कोई पैथोजन जो सस्पेक्टेड होता है तभी हम लोगों को पता चलता है जब उसके सिम्टम दिखाई देने लगते हैं बाय दिस टाइम द कंसनट्रेशन ऑफ पैथोजन ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी लेकिन इस टाइम तक पैथोजन का कंसंट्रेशन बॉडी में काफ़ी बढ़ जाता है हाउेवर वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ ए बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड नाउ बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर लेकिन इस समय अब हम लोग बैक्टीरिया और वायरस का बहुत कम कंसनट्रेशन में भी पता लगा सकते हैं पीसीआर करके पीसीआर इज़ यूज टू डिटेक्ट एच इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट यानी जो संदेहात्मक पेशेंट होते हैं एड्स के उसमें हम लोग पी का यूज़ करते हैं

कि एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए लेते हैं उसे हम लोग रेडियो एक्टिवली मॉलिक्यूल के साथ टैग कर देते हैं जिसे हम लोग प्रोब बोल रहे हैं प्रोब इज़ अलाउड टू हाइब्रिडाइज प्रोब हाइब्रिडाइज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डी बना लेता है क्लोन सेल्स में फिर हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी कर लेते हैं क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन क्लोन में म्यूटेटेड जीन होते हैं विल हैंस नॉट अपियर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म लेकिन ये फोटोग्राफिक फ़िल्म में डेवलप नहीं होते शो नहीं होते बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेलिटी विद द म्यूटेड जीन क्योंकि प्रोब में किसी भी तरह की कॉम्प्लीमेंटलिटी नहीं होती है जो एलिसा है वो बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस किसी भी पैथोजन के इन्फेक्शन को हम लोग तभी पता कर सकते हैं जब उसमें एंटीजन हो ये एक प्रोटीन होता है या ग्लाइकोप्रोटीन होता है और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज या हमें एंटीबॉडीज का पता चल जाए सिंथेसाइज अगेंस्ट पैथोजन, यानी जो इन्फेक्शन है तभी पता चलता है या तो एंटीजन का आइडिया हो जाए या एंटीबॉडीज का आइडिया हो जाए तो जो एलिसा है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे बेस्ड होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स दीज आर द एनिमल्स

बेनिफिट्स ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बहुत फ़ायदे होते हैं टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट पहला फ़ायदा ये है कि हम लोग डेवलपमेंट और फिजियोलॉजी नॉर्मल फिजियोलॉजी की स्टडी कर पाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज टू स्टडी हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज होते हैं ये देखने के लिए कि कैसे जीन्स रेगुलेट हो रहे हैं एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड इट्स डेवलपमेंट और ये भी हम लोग देख पाते हैं कि ये नॉर्मल बॉडी फंक्शन और डेवलपमेंट में इनका क्या रोल है एग्जाम्पल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर सजेस्ट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हम लोग इसी से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को देख पाते हैं जीन्स दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर आर इंट्रोड्यूस्ड एंड द बायोलॉजिकल इफेक्ट आर स्टडीड सपोज इससे रिलेटेड जीन हमने अल्टर कर दिया ठीक है और फिर इंट्रोड्यूस करा दिया फिर देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी और इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि फैक्टर का बायोलॉजिकल रोल क्या है सेकेंड है टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज कि किसी भी जीन का डिजीज में क्या रोल है ट्रांसजेनिक मॉडल हेल्प्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन डिजीज ह्यूमन डिजीज़ के न्यू ट्रीटमेंट में ट्रांसजेनिक मॉडल बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर मनी ह्यूमन डिजीज सचेस कैंसर सिस्टिक फाइब्रोसिस रिमेटॉयड आर्थराइटिस एंड एल्जीमर इन सभी में हम लोग ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प ली है थर्ड इज़ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सब मेडिसिन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बट दे आर ऑफेन एक्सपेंसिव बहुत सारी मेडिसिनस हैं जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स डेवलप करती हैं बट दे आर ऑफन एक्सपेंसिव लेकिन ये महंगी होती हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम लोग यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए उसमें जीन्स को इंट्रोड्यूस करा के ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन प्रोटीन जिसमें होता है एल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट इम्फाइसीमा इसका हम लोग उपयोग करते हैं इम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट में प्रोडक्ट्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फ़ेनिल कीटोनूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस ठीक है और इसी का प्रोडक्ट फेनिल कीटोनूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस में यूज होता है ठीक है यानी जो प्रोडक्ट फेनिल कीटोनूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस में यूज़ होता है वही हम लोग इम्फाइसेमा में भी यूज़ करते हैं

इट इज़ न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट ये काफ़ी बैलेंस्ड प्रोडक्ट होता है फॉर ह्यूमन बेबीज ह्यूमन बेबीज के लिए दैन नेचुरल काउ मिल्क नेचुरल काउ मिल्क के कंपेरिजन में वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में भी हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक माइस आर यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी चेक करने के लिए भी ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किया गया है इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी रिलायबल दे कैन रिप्लेस द यूज़ ऑफ मंकीज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेज ऑफ द वैक्सीन अगर ये बहुत अच्छे से यूज होते हैं या सही से रिप्लेस कर देते हैं तो मंकी का यूज भी वैक्सीन के टेस्ट में बंद हो जाएगा केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग टॉक्सिसिटी टेस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक दैम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सबस्टेंस दैन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स यानी हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंस को ट्रांसजेनिक एनिमल्स में दे के ये चेक करते हैं कि ये जीन या ये केमिकल या ये टॉक्सिक कितना इफेक्टिव uh, है दे आर एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड द इफेक्ट स्टडीड यानी टॉक्सिक सब्सटेंस हम लोग उन्हें खिला देते हैं और फिर देखते हैं कि उनके ऊपर क्या इसका इफ़ेक्ट हो रहा है इट गिव्स इमीडिएट ये बहुत जल्दी रिज़ल्ट देता है तो दीज आर बेनिफिट्स ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स